हेलो, जो हमारी पहली प्रॉब्लम है वो ये है भाई, रिजिड सपोर्ट नहीं है बच्चों, रिजिड सपोर्ट बिल्कुल नहीं है। एक बॉडी हमें यहाँ दी गई है और एक बॉडी हम लोगों को यहाँ दी गई है, और ये कहा है कि ये पूरा सिस्टम 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर जा रहा है। समझ आ रही है बात? यहाँ का मास हमें दे रखा है 2 किलोग्राम और यहाँ का मास हमें दे रखा है 3 किलोग्राम। हमें बताना है कि टेंशन कितने आने वाली है स्ट्रिंग में। सबसे पहले तो आप ये देखिए बच्चों, ये स्ट्रिंग अलग है और ये स्ट्रिंग अलग है, तो यहाँ एक टेंशन तो आएगी यहाँ पर, इसे हम लोग नाम देंगे T1, और एक टेंशन आएगी यहाँ पर, इसे हम लोग नाम देंगे बच्चों T2। एक टेंशन हमारी यहाँ आई, इसे हमने नाम दिया T1। एक टेंशन यहाँ आई, इसे नाम दिया T2। ये ब्लॉक ए है और ये ब्लॉक बी है। मैंने आपसे कहा था बच्चों कि जब भी ऐसी प्रॉब्लम आपके पास में आए, आप कोशिश करिएगा कि आपको ब्लॉक बी से स्टार्ट करना है, यानी नीचे वाले ब्लॉक से आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना स्टार्ट करना है। चलिए सबसे पहले हम बनाते हैं FBD, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ब्लॉक बी। ब्लॉक बी का हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। ये है हमारे पास में ब्लॉक बी, और ब्लॉक बी का जो मास हम लोगों को दिया गया है बच्चों, वो है 3 किलोग्राम। ब्लॉक बी का जो मास हम लोगों को दिया गया है वो 3 किलोग्राम है। अब आप सोचो यार, ये 3 किलोग्राम ऊपर की तरफ काम कर रहा है T2, 3 किलोग्राम पर ऊपर की तरफ काम कर रहा है T2, नीचे की तरफ काम करेगा 3 × ग्रेविटी यानी 30 न्यूटन, फिर भी ब्लॉक जा रहा है ऊपर और ब्लॉक का एक्सिलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। भाई ये कंडीशन है बच्चों हमारे पास में कि ब्लॉक के ऊपर T2 फोर्स काम कर रहा है ऊपर की तरफ, 30 न्यूटन काम कर रहा है नीचे की तरफ, फिर भी ये ब्लॉक हमारा ऊपर की तरफ जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सिलरेशन के साथ। आइए देखते हैं कि क्या कंडीशन हम लोग इसके लिए बनाएंगे। हमारे पास में जो इक्वेशन बनेगी, ब्लॉक कहाँ जा रहा है? ऊपर, तो ऊपर वाले फोर्स में से नीचे वाले फोर्स को माइनस करेंगे। T2 माइनस के 30 इज इक्वल टू, मास की वैल्यू है 3, एक्सिलरेशन की वैल्यू है 2, ये हो गया 6। देखो ब्लॉक ऊपर जा रहा है, एक्सिलरेशन ऊपर की तरफ है, इसीलिए ऊपर वाले फोर्स में से नीचे वाले फोर्स को माइनस किया। ब्लॉक ऊपर जा रहा है इसीलिए ऊपर वाला फोर्स ज़्यादा होगा और नीचे वाला फोर्स कम होगा। सो T2 की वैल्यू हमारी निकल चुकी है बच्चों 36 न्यूटन। बच्चों ये मत समझिएगा कि ये आसान प्रॉब्लम है, आपको पढ़ाया इस तरीके से जा रहा है कि आपको आसान लग रही है, नहीं तो SC वर्मा जो किताब है ना, वो इन सवालों से भरी पड़ी है और बच्चों के हालत पतली हो जाती है इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। ये तो आप लोगों को हम इस तरीके का मेथड अप्लाई करके बता रहे हैं कि आपको कोई परेशानी ना हो, ठीक है? चलिए अब ऊपर वाले ब्लॉक पर आते हैं हम लोग। FBD, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ए। इस वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग बनाते हैं। देखिए भाई, ये है हमारे पास में ब्लॉक, ब्लॉक का मास हमें दिया गया है 2 किलोग्राम। 2 किलोग्राम के ब्लॉक पर ऊपर की तरफ काम कर रहा है T1। ये जो 2 किलोग्राम का ब्लॉक है ना, इस पर ऊपर की तरफ काम कर रहा है T1, नीचे की तरफ काम कर रहा है T2। देखो ऊपर जा रहा है T1, ध्यान से, ऊपर जा रहा है T1, नीचे जा रहा है T2, T2 जा रहा है नीचे, T1 ऊपर T2 नीचे। क्या इनके अलावा भी कोई फोर्स काम करेगा? हम कहेंगे भाई बिल्कुल करेगा। इनके अलावा काम करेगा ग्रेविटेशनल फोर्स। बॉडी का मास कितना है? 2, ग्रेविटी की वैल्यू 10, तो नीचे की तरफ एक और फोर्स काम करेगा जिसका नाम होगा 20 न्यूटन। बॉडी जा रही है हमारी ऊपर की तरफ और बॉडी का एक्सिलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्या कंडीशन हमारे सामने बनेगी ज़रा बताएं भाई। ऐसा है, जब हमने इस वाली बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया तो ये बना फ्री बॉडी डायग्राम। ऊपर की तरफ काम कर रहा है T1, नीचे की तरफ काम कर रहे हैं 2 फोर्स। हम एक काम करेंगे, ऊपर वाले फोर्स में से इन दोनों फोर्सेस को माइनस करेंगे और मास की मल्टीप्लाई सीधा एक्सिलरेशन से करेंगे, तो रिजल्ट हमारा कुछ ऐसा बनेगा T1 माइनस के T2। मैं इस फोर्स में से इन दोनों को माइनस कर रहा हूँ बच्चों, क्यों? क्योंकि बॉडी ऊपर जा रही है, तो ऊपर वाले फोर्स में से नीचे वाले फोर्सेस को माइनस करना पड़ेगा और मास की मल्टीप्लाई करेंगे एक्सेलरेशन के साथ, यानी 4। सो
सो टी वन इज इक्वल टू टी टू प्लस 20 प्लस 4, टी टू की वैल्यू है 36, 36 और 4, 40 और 20, लो भैया टी वन निकल चुका है 60 न्यूटन और टी टू निकल चुका है 36 और 2 बच्चों, और देखते हैं कि एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है हमारे पास में। ये रिजल्ट सपोर्ट हम लोगों ने गलत बना दी है। देखो भाई बच्चों, इसके साथ एक बॉडी हमने यहाँ लगा रखी है, इस बॉडी का मास है 4 किलोग्राम, और इसके साथ एक बॉडी हम लोगों ने यहाँ लगा रखी है, इस बॉडी का मास है 3 किलोग्राम। ये पूरा सिस्टम है बच्चों हमारे पास में, पूरा सिस्टम हमारे पास में है। अब कैसे हम कंडीशन बनाएंगे? देखो, एक टेंशन हमारे पास में यहाँ काम करने वाली है जिसे हम नाम देंगे T1 का। बच्चों ये टेंशन की कंडीशन भी हम लोगों ने गलत बना दी है। बस ये छोटी मोटी गलतियाँ हमें नहीं करनी है। एक एरो नीचे, एक एरो ऊपर, इसे हमने नाम दिया T1। एक एरो नीचे, एक एरो ऊपर, इसे हमने नाम दिया T2। और हमें ये कहा गया कि पूरा सिस्टम 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से नीचे जा रहा है। ये जो पूरा सिस्टम हमने आपके सामने बनाया है ना बच्चों, ये पूरा सिस्टम 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से नीचे जा रहा है। ये पूरा सिस्टम नीचे जा रहा है। अब देखिए कि हम क्या बात करने वाले हैं, ध्यान से बिल्कुल, कि भाई हम कंडीशन बनाएंगे तो बनाएंगे क्या। देखो बच्चों, दिख रही होगी आपको कंडीशन। हमने माना कि इस ब्लॉक का नाम है ए और इस ब्लॉक का नाम है बी। सबसे पहले हम ब्लॉक बी उठाते हैं बच्चों। देखिए ब्लॉक बी हमारे पास में ये है, और ब्लॉक बी का जो मास हमें दिया गया है वो है 3 kg। ये ब्लॉक बी का मास है हम लोगों का 3 kg। इस ब्लॉक बी पर ऊपर की तरफ काम कर रहा है T2। ब्लॉक बी पर ऊपर की तरफ काम कर रहा है T2। समझ आ रही है बच्चों बात? ओके। नीचे की तरफ काम करेगा सिर्फ 3 × ग्रेविटी। देखो नीचे कोई फोर्स तो नहीं है? नहीं। नीचे की तरफ काम करेगा 3 यानी मास, और ग्रेविटी की वैल्यू 10 यानी 30 न्यूटन। सिस्टम कहाँ जा रहा है? नीचे। कितने एक्सेलरेशन से? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। भाई ये कंडीशन है हमारे पास में। ये जो 3 किलोग्राम की बॉडी है, इस पर ऊपर की तरफ काम कर रहा है T2, नीचे की तरफ काम कर रहा है 3 × ग्रेविटी यानी 30 न्यूटन, और बॉडी जा रही है नीचे। जब हम इसके लिए इक्वेशन तैयार करेंगे तो क्या इक्वेशन बनेगी? बॉडी कहाँ जा रही है? नीचे। तो नीचे वाले फोर्स में से ऊपर वाले फोर्स को माइनस करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास में 30 माइनस के T2, मास की मल्टीप्लाई करेंगे एक्सेलरेशन से यानी 15, और T2 की वैल्यू हमारी निकल गई है बच्चों 15 न्यूटन। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ T2। T2 हमारा निकल चुका है 15 यानी 15 न्यूटन। इस तरीके से हम यहाँ पर स्प्रिंग में टेंशन निकालेंगे। तो इस वाली रस्सी में जो हमारी टेंशन आ गई है ना बच्चों, इस रस्सी में जो हमारी टेंशन आ गई है वो 15 न्यूटन आ गई है। अब हम पकड़ते हैं ब्लॉक ए, और ब्लॉक ए की कंडीशन देखते हैं क्या होगी। भाई ब्लॉक ए का जो मास है हमारे पास में वो है 4 किलोग्राम। ये ब्लॉक ए का मास है हमारे पास में 4 किलोग्राम। इस 4 किलोग्राम पर ऊपर की तरफ काम कर रहा है T1। काम कर रहा है T1, 4 किलोग्राम पर ऊपर की तरफ काम कर रहा है T1। नीचे की तरफ काम कर रहा है T2। नीचे की तरफ काम कर रहा है T2। बहुत ध्यान से यही समझने वाली बातें हैं बच्चों, कि 4 किलोग्राम पर ऊपर की तरफ काम कर रहा है T1 और 4 किलोग्राम पर नीचे की तरफ काम कर रहा है T2। ये भी T2 है, ये भी T2 है, ये भी T1 है, ये भी T1 है, लेकिन हमें ये देखना है जो बॉडी से दूर जा रहे हैं, ऐसे दूर जाने वाले देखने हैं हमें। इसके अलावा भी कोई काम करेगा? बिल्कुल काम करेगा। क्या? बॉडी का मास कितना है? 4, और ग्रेविटी की वैल्यू कितनी है? 10। समझ में आ रही बात? 40 काम करेगा इसके अलावा। बॉडी कहाँ जा रही है? बॉडी जा रही है नीचे, और ये नीचे जा रही है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के साथ। बॉडी कहाँ जा रही है? बॉडी जा रही है नीचे, और नीचे जाते हुए बॉडी का एक्सीलरेशन है इतना। तो हम क्या करेंगे बच्चों? हम ये करेंगे कि अगर बॉडी नीचे जा रही है तो नीचे वाले फोर्सेज में से ऊपर वाले फोर्सेज को माइनस करेंगे। देखो कैसे करेंगे, समझने वाली बात है? बॉडी कहाँ जा रही है? नीचे। तो इन दोनों को तो कर दो ऐड, T2 प्लस के 40, ठीक है, और इसमें से T1 को कर दो माइनस, और 4 की मल्टीप्लाई कर दो 5 में, ये हो गया 20।
नीचे वाले फोर्स में से ऊपर वाले फोर्स को माइनस करेंगे और मास की मल्टीप्लाई एक्सीलरेशन से करेंगे। T2 की वैल्यू है 15 और 40, 55 माइनस के T1 इज इक्वल टू 20, तो T1 की वैल्यू हमारी निकल गई है 35 न्यूटन। यानी यहाँ जो टेंशन आएगी, यहाँ पर जो टेंशन आने वाली है वो 35 न्यूटन आने वाली है। बच्चों यहाँ इतनी टेंशन आएगी, बताओ ये कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? यार इतना मुश्किल तो नहीं है कि तुम ना कर पाओ, क्योंकि हम बहुत आसान तरीके से तुम्हें बता रहे हैं और इतने आसान तरीके में तो आप लोगों को कर देना चाहिए बच्चों। कोई इशू, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए आप लोगों को, ठीक है।